नमस्कार। कला मूवी का एक बहुत ही सुंदर गाना फेरो ना नजरिया, इसी सॉन्ग पे आज मैं एक सेमी क्लासिकल डांस ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, जिसका परफॉर्मेंस वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो भी देखना हो तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेमी क्लासिकल कोरियोग्राफी ऑन फेरो ना नजरिया। तो शुरुआत करेंगे हम प्रणाम के साथ। डिफिकल्टी होगी, बट अगर लेफ्ट साइड से घूमने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट अगर हम राइट साइड
जाएंगे तो बस हमें इस तरह से घूम के आना पड़ेगा। तो हम घूमेंगे पीछे, फिर है ना भागूंगी धम धम, तो भागना किस तरह से, दोनों हाथों से लहंगा या फिर आपने जो भी कुर्ता पहना है उसे पकड़ना है और भागूंगी। तीन स्टेप लेने किस तरह से, 1 2 3, और इसमें हमें चलने के साथ साथ उछलना भी है, किस तरह से, भागूंगी। फिर है धम धम, तो सबसे पहले धम में हमें करना है धम और धम, तो इसमें जो पैर होंगे हमारे लास्ट पोजीशन पैर का ये है, तो सबसे पहले वाले धम में हमें सिंपली करना है धम और सेकेंड वाले धम में हमें जंप करके धम मारना है। और ये जो पोजीशन है ना, इसमें आपको ऊपर धम में आपको इस तरह से नीचे झुकना है ताकि वो इफेक्ट आए, धम धम। और जो इसके हाथ होंगे, जब हम लेफ्ट साइड पैर मारेंगे तो जो हमारे हाथ होंगे वो ऐसे जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड दूर और राइट हैंड पास, लेफ्ट हैंड का जो राइट साइड होगा वो ऊपर और राइट हैंड का राइट साइड नीचे, और हमें करना है धम इस तरह से, धम और फिर धम, तो राइट साइड में उल्टा हो जाएगा। अभी राइट हैंड का राइट साइड नीचे था तो राइट हैंड का राइट साइड ऊपर हो जाएगा, राइट हैंड डूब चला जाएगा और लेफ्ट हैंड का जो राइट साइड होगा वो नीचे होगा और लेफ्ट हैंड पास आ जाएगा, तो धम धम। उसके बाद एक म्यूजिक आ रहा है जिसमें हमें बीट, जो म्यूजिक है वो इस तरह से ना 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 ना, तो और उसमें हमें बीट काउंटिंग से हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3 4, तो धम धम। अब 1 2 3 1 2 3 4, तो इसमें हमें पैर कैसे करने हैं, 1 2 3 1 2 3 4, और जो हमारे हाथ होंगे वो किस तरह से होंगे, लास्ट पोजीशन थी ये, सो 1 2 3, जो राइट हैंड है वो ऊपर से जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा और वापस राइट साइड में पॉइंट करेगा, 1 2 3। उसके बाद 1 2 में जो लेफ्ट हैंड है जिसने अभी तक तो लहंगा पकड़ रखा था, अब वो आएगा ऊपर से, 1 2 लेफ्ट साइड में ऊपर से, ये वापस गर्भ निकास वाला पोस्टर बनेगा हमारा, सो 1 2 3 1 2 3 4, 3 4 में राइट हैंड वापस लेंगे, लेफ्ट हैंड वापस लेंगे, सो ये हमारी पोजीशन हुई 1 2 3 1 2 3 4। इतना एक बार वापस स्टार्टिंग से करते हैं, म्यूजिक चिप दो पहली के पीछे ना भागूंगी धम धम, 1 2 3 1 2 3 4। इसके बाद है अब की, सो अब की में हमें क्या करना है, हम इस तरह से खड़े, अब की में हमें एक जंप लेते हुए आगे आना है, अब की, तो जंप हम किस तरह से लेंगे, अब की, और जो हमारे हाथ होंगे वो होंगे अब की, तो राइट हैंड थोड़ा सा आगे होगा, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा पीछे होगा, तो अब की बारिश, तो हमें करना है बा, तो ये जो हमारे पैर भी इस तरह से हैं, हमें राइट लेग को वापस राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो अब की बा, और जो ये हैंड्स होंगे ना, राइट हैंड वापस थोड़ा ऊपर और लेफ्ट हैंड इससे नीचे, अब हम बारिश वर्ड है, ठीक है, तो अब की में तो हमने ये कर लिया, अब जो बारिश वर्ड है उसमें बा में हम यहाँ पहुंच जाएंगे और रिश में हमें इस तरह से बरसात दिखानी है दोनों हाथों से, तो इस समय भी राइट दोनों हाथ बराबर नहीं होंगे, राइट हैंड ऊपर रहेगा, तो ये हमने किया, अब की बारिश में बैरी, बैरी में हमें क्या करना है, इस तरह से पानी की बूंदें हमें इकट्ठे करनी है, जब भी बारिश होती है तो ये तो सभी ने करा होगा ऐसे बारिश में हाथ डाला के पानी की बूंदें इकट्ठी करना, सो हम भी वही करेंगे, बारिश में बैरी, तो हमें 5 बार करना है, 1 2 3 4 5 बैरी, और इसमें आपके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस, एक बचपना दिखना चाहिए, बैरी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आईब्रोज चला सकते हैं, आंखों में एक्साइटमेंट, चेहरे पे हंसी, सो बैरी, गर्दन हिला सकते हैं आप, फिर ना भीगूंगी,
तो ये पानी हमने इकट्ठा कर लिया, हमारे हाथ में अब पानी है, तो इस पानी को हमने क्या करना है, राइट हैंड से चेहरे पे थोड़ा सा पानी के छींटे मारना है, तो बै और फिर इसे साफ करना है जी। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है ना वो इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि इसे हम अगर ऐसे करेंगे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लेफ्ट हैंड हमारा सुंदर तरह से लेफ्ट साइड में होगा और हमें छींटा मारना है इस तरह से और थोड़ा सा गर्दन को छटका के लेफ्ट साइड में करना है। तो बै और री, री में जो राइट हैंड है इसी से मारो और इसी से साफ कर दिया पानी। तो ये स्टेप किस तरह से होगा, अब की बारिश में, बारिश में नीचे भी देखना पूरा ऊपर से नीचे तक पानी गिर रहा है। सो अब की बारिश में बैरी न भीगूंगी, अब छम छम। तो हम यहाँ हाथ लेंगे, हमारे हाथ पहले ऐसे हैं ठीक है, अब जो पैर का वेट है ना वो पहले तो राइट लेग पे था पूरा, अब हमें इसे लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करना है ठीक है। तो पहले लेफ्ट लेग टॉप पे था, अब लेफ्ट लेग तो पूरा नीचे रख दिया जाएगा और राइट लेग है वो टॉप पे आ जाएगा, और जो हमारे हाथ है इस तरह से वो ऐसे घूम के ऐसे हो जाएंगे। तो जो हाथ पहले इस तरह से थे वो ऐसे घूमेंगे और लेफ्ट साइड में, तो बारिश में बैरी न भीगूंगी, अब छम छम। तो छम छम, तो हाथ बहुत सिंपल है, 1 2 लेफ्ट हैंड आगे इस समय अपना छम छम, और जो लेग है उससे राइट लेग से, ये तो हमारा पूरा जमीन पे पड़ा है, और जो राइट लेग है उससे हमें करना है छम छम, दो बार पैर को उठाना है, तो छम छम। और जो छम छम हम कर रहे हैं इसमें नेक मूवमेंट भी है, छम छम, जैसे ही हम पैर उठा रहे हैं उसी तरह से हमें सामने देखना है, और फिर जब दूसरी बार पैर उठा रहे हैं तो दूसरी बार सामने देखना है, छम छम। इसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक आता है ना 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 ना, तो उसमें हमें एक पलटा लेना है, तो हम लेंगे, हम इस तरह से हम लेफ्ट साइड में मुड़े हुए राइट, तो हम लेफ्ट साइड वाला पलटा लेंगे, तो हमारा राइट हैंड ऊपर होगा ना 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 और फिर ना ना, तो ये किस तरह से होगा, हम इस तरह से खड़े थे ठीक है छम छम, तो हमें लेफ्ट हैंड को तो वापस ले लेना, राइट हैंड को हम इस तरह से सामने खोल लेंगे, क्योंकि पोजीशन जो हमारी बॉडी की और पैर की पोजीशन है वो तो सेम वही है जो हमें पलटे में लेने की मतलब जरूरत है, बट हाथ हमारे वैसे नहीं, तो हाथ को हम इस तरह से ले लेंगे और उसके बाद हम पलटा लेंगे ना 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 ना। तो आगे पलटा लेने के बाद जो एक दो बीट्स आ रही है ना ना, उसमें पैर होंगे हमारे ना ना और उसमें हाथ होंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे हम करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा राइट साइड में फिर ऊपर आएगा, और ये करते एक छोटा सा गैप आएगा जो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि नेक्स्ट हैंड स्टार्टिंग, बट वो एक मिनी गैप है, उसमें हमें हाथ वापस भी लेना है। तो हम किस तरह से करेंगे ये ना 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 ना, फिर नेक्स्ट है अपनी चोटी में जुगनू, तो हमारी अब पोजिशन वापस ये है, तो अपनी में हमें क्या करना है, ऐसे उछल के और बैठना है, जो उछल के हम आगे आए थे ना सेम उसी तरह से हमें उछल के बैठना है, और इसमें हमारे हाथ होंगे अपनी, अपनी में हम उछल के बैठना है, हाथ होंगे इस तरह से, तो अपनी, अब आ रहा है चोटी, तो चोटी हम किस तरह से दिखाएंगे, जो हमारे हाथ ऊपर है ना उन्हें हम यहाँ ले आएंगे और इस तरह से हाथ को करेंगे, ये जो तर्जनी और मध्यमा फिंगर है ये तो ऐसे स्ट्रेट रहेगी और बाकी सब बंद हो जाएगी, तो अपनी चोटी में हाथ से इस तरह से हमें एक मूवमेंट करना है और इस तरह से हम ये चोटी दिखानी है। तो आपको आप कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप बाल बनाते हैं इस तरह से भूत की चोटी, तो आपकी गर्दन इस तरह से थोड़ी झुकी हुई होती है और आप एक आंख के इशारे से देखने की कोशिश भी करते हैं कि सही तो बन रही है चोटी है ना, क्योंकि चोटी ऐसे बना रहे तो ऐसे तो नहीं कि आप उधर देखेंगे, तो हम जब ये चोटी का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं तो हमारी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होगी और हमारी आंखें भी इस तरह से चोटी को देखेगी, तो
इस तरह से खुल जाएंगी। तो इस तरह से हम दिखाएंगे जुगनू, किस तरह से ये मुद्रा बनेगा, जुगनू। जुगनू होता है एक फ्लाई होता है, और आपने देखा होगा कभी भी जो फ्लाईज होते हैं ना वो ऐसे सीधे सीधे नहीं उड़ते, वो ऐसे इस तरह से क्या होते हैं टेढ़े मेढ़े और वो चंचल वे में उड़ते हैं। तो हमें वही दिखाना है जुगनू। तो अगर हम जुगनू को हाथ से ऐसे दिखा रहे हैं तो हमें चेहरे से भी एक वही एक्साइटमेंट और चंचलता लानी पड़ेगी। और जुगनू तो होता भी है चमकने वाला फ्लाई होता है, तो उसको देख के हम इतना वो हो जाएंगे कि वाओ ये चमकने वाला कीड़ा है, मतलब कीड़ा तो नहीं फ्लाई है। तो ये इस तरह से जुगनू। तो हमें गर्दन भी चलानी और फेस से भी एक्सप्रेशन देना है जुगनू। अब है मैं कस लूंगी, तो किस तरह से ये जुगनू उड़ रहा है, फिर ये आप है, आपने जुगनू को पकड़ा और ये जुगनू आपके हाथ में है, और इस तरह से आपने जुगनू को उठाया और अपनी चोटी में लगा लिया। तो अपनी चोटी में जुगनू मैं कस लूंगी चमचम। तो अपनी चोटी में जुगनू मैं कस लूंगी, ठीक है, आपको ये मूवमेंट समझ आना है कि जुगनू उड़ रहा है, हमें जुगनू देखा बड़ा सुंदर लगा, फिर हमने जुगनू को पकड़ लिया, अब ये जुगनू हमारे हाथ में, और ये जुगनू को हमने उठा के और हमने अपने बालों में डेकोरेट करा। सो अपनी चोटी में जुगनू मैं कस लूंगी। अब चमचम है ना, उसमें हमें एक तो है ना शोल्डर मूवमेंट करना है, किस तरह से चम चम, ये जो लेफ्ट शोल्डर है ना आगे आएगा इस तरह से हल्का सा चम चम, और जो अपना हाथ है ना वो इस तरह से। अभी जुगनू में हमने ये मुद्रा बनाई, बट जब हमने जुगनू को बाद में डेकोरेट करा ना तो ऑब्वियसली अपन इस तरह से किसी चीज को पकड़ के तो नहीं लगाएंगे, अपन तो नॉर्मली ऐसे ही पकड़ के लगाएंगे ना। तो हमने लगाया, अब जुगनू चमक रहा है बालों में, तो चम चम, और शोल्डर से मूवमेंट आएगा चम चम, ठीक है। तो एक बार पूरा स्टेप अपन कर लेते हैं। अपनी चोटी में जुगनू मैं कस दूंगी चम चम। अब एक छोटा सा म्यूजिक है, तो उसमें हमें श्रृंगार करना है, ठीक है। श्रृंगार क्यों करना है, क्योंकि बाल तो हमने बना लिए और जुगनू से सजा भी है, बट अब हमें बाकी की जूलरी भी पहननी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले पहनेंगे चूड़ी, फिर हम पहनेंगे गले का हार, और उसके बाद हम कांच में देखते हुए लगाएंगे मांग टीका, ठीक है। तो ना 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 ना, ठीक है, इतना सा म्यूजिक है हमारे पास, तो हमें इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। बट फास्ट करने के चक्कर में ये नहीं कि हम हमारे भाव भूल जाए, बस इस तरह से कि हम कोई एक एक्शन खत्म कर रहे हैं, नहीं, हमें भाव को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ना 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 ना, और अब हमें खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तोरी अटरिया, तोरी अटरिया, तो उसमें हमें क्या करना है, तोरी अटरिया, तो सबसे पहले राइट हैंड ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, और पैर होंगे इसके तोरी अटरिया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तोरी अटरिया। अब है तोरी अटरिया, तो इसमें हाथ किस तरह से होंगे, 1 2 3 4, तोरी अटरिया, और पैर किस तरह से होंगे, सिंपली आगे आना है, तो तोरी अटरिया, तोरी अटरी, और या में हम घूम जाएंगे इस तरह से, जो अपने चक्कर है ना दिखता दिखते ही हाथ वही होंगे, बस पैरों से हमें सिंपल घूमना है, तोरी अटरिया, तोरी अटरिया। अब है लाखूंगी नाम है तोरी अटरिया, तो इस एक्शन में जो लेफ्ट हैंड होगा वो आ जाएगा हमारा इस तरह से ऊपर, और राइट हैंड से हमने लहंगा या कुर्ता जो भी पकड़ा है पहना है वो सब पकड़ेंगे और करेंगे तोरी अटरिया, ठीक है, तोरी अटरिया अंदर बाहर। और ये मूवमेंट है ना बहुत ही ग्रेसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो तोरी अटरिया, तोरी अटरिया, लाखूंगी नाम है। अब तोरी अटरिया में क्या करना है, हमने एक बार अंदर एक बार बाहर किया, उसके बाद ये जो हाथ है ये हमारा इस तरह से आएगा, लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है। अब हम दोनों हाथों को नीचे से गोल करते हुए लाएंगे, क्रॉस करेंगे और नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड चला जाएगा लेफ्ट साइड,
और राइट हैंड आएगा ऊपर अटरिया इस तरह से, तो तोरी अटरिया तोरी अटरिया लाखूंगी ना मैं तोरी अटरिया अटरिया या में अचानक से कटाक्ष या, और जो इसका पैर है वो हमने एक स्टेप आगे लिया है। इसके बाद हम म्यूजिक तोरी या टरी या और उसके साथ बीट चल रहे ऐसे टक 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 टक, तो उसमें बीट्स में हमने क्या करना है तोरी और टरी या किस तरह से 1 2 3 4 5। तो पहले राइट हैंड राइट साइड नीचे और राइट साइड होगा बाहर की तरफ 1, फिर 2 सेम लेफ्ट साइड में, फिर 3, तो 3 में जो राइट हैंड जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और अब की बार राइट साइड होगा हमारी साइड 3 4, और फिर वापस इस तरह से घुमाना है तो तोरी अटरिया। उसके बाद है तोरी अटरिया वापस, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ हमने घुमाया और यहीं से हम हाथ को इस तरह से वेव्स करते हुए नीचे ले आएंगे, तो तोरी तोरी अटरिया तोरी अटरिया। अब है ना घूंगी ना तोरी छैया, तो ये जो हमारा हम लेफ्ट साइड से घूमेंगे, घूमे
ये जो राइट लेग है वो हम इस तरह से मारेंगे, किस तरह से फेरो। अब सेम चीज हमें करनी है राइट साइड से घूम के, तो हमने सबसे पहले किया था फेरो, अब हम राइट साइड से घूमेंगे ना, तो इस समय हम लेफ्ट साइड में होंगे और आगे देखेंगे और जो हमारा लेफ्ट लेग है वो हम मारेंगे। तो ये एक्शन पूरा किस तरह से होगा, फेरो ना, और इसमें हाथ मैं आपको बता देती हूँ, हाथ ये होंगे फेरो, जो सबसे पहले हम ऐसे घूम कर आए इसमें हमारा लेफ्ट हैंड सामने होगा और राइट हैंड होगा आंखों के नीचे, ठीक है, फेरो। और जो हम राइट साइड से घूम कर आएंगे तो उसमें हाथ चेंज हो जाएगा, राइट हैंड सामने और लेफ्ट हैंड आंखों के नीचे, तो फेरो ना। अब आएगा नजर, तो नजर में हमें वापस घूम के सामने आना है और नजर दिखानी, तो नजर हम किस तरह से दिखाएंगे, नजर, तो हाथ में इस तरह से यम यमी वाली मुद्रा बनेगी और इस तरह से हमें दिखाना है नजर। और जो हमारा पैर होगा वो राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे वापस बॉडी वेट, हम किस तरह से नजर, तो नजर। अब सेम है हमें क्या करना है, दोनों हाथों को घुमा के इस तरह से लगाना है, तो नजर से। अब नजरिया में हमें क्या करना है, एग्जिट करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे, जो हमारा लेफ्ट लेग है उसे उठा के और हम इधर रखेंगे और हम वॉक करते हुए जाएंगे, और जो हमारा हाथ होगा वो था नजर से, और नजरिया में हम इस तरह से मना करते हुए और छुप के शर्मा के जाते हुए जाएंगे, तो नजर से नजरिया। तो ये पूरा किस तरह से होगा, अपन ने करा हम छैया फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, और इस तरह से हम एग्जिट लेंगे। तो ये थी पूरी कोरियोग्राफी सेमी क्लासिकल डांस ऑन फेरो ना नजरिया। तो आइए एक बार पूरी कोरियोग्राफी एक साथ कर लेते हैं। सो म्यूजिक, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।